हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी के टॉप कॉलेजेस जो कि राजस्थान के अंदर हैं। लेकिन उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपनी 12th पास आउट कर ली है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही हमारी 12th पास आउट होती है तो हमारे पास कॉलेज चूज़ करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा कॉलेज हमें चूज़ करना चाहिए। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में 1900 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि बीएससी करवाती है, लेकिन अब उनमें आपके लिए कौन सा बेस्ट है और राजस्थान के अंदर कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जो मैंने आपको टॉप कॉलेजेस बताए हुए हैं बीएससी के लिए, वो उनकी रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि रैंक तो आपकी हर साल चेंज होती रहती है कॉलेज की। ये जो टॉप कॉलेजेस हैं ये स्टूडेंट की रिव्यूज़, उनकी एकेडमिक एक्सेलेंस और उनके जो रैंक में नंबर आता रहता है हर साल, जो उनकी रैंक रहती है कॉलेज की, उसके बेसिस पर मैंने आपको ये टॉप 10 कॉलेजेस बताए हैं जो कि राजस्थान के अंदर हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे टॉप कॉलेजेस इन राजस्थान। फर्स्ट कॉलेज है आपका जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी यानी JNU, जो कि जयपुर के अंदर है। इसकी रेटिंग है आपकी 3.7 और इसमें आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस लगेगी 35,200 रुपये। नीचे मैंने इसकी वेबसाइट दी हुई है जहां पर जाकर आप इसकी और जानकारी ले सकते हैं, इसमें और किस तरीके के कोर्स हैं या फिर बीएससी के कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, किस किस सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी भी एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर, जहाँ से आप अपनी बीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं। JNU के अंदर जो आपकी बीएससी की एलिजिबिलिटी है वो है 12th के साथ 50%, यानी जब आपकी 12th में 50% या उससे ऊपर होगी तभी आप इस जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस कर पाएंगे। इसके अलावा JNU के अंदर आपके बीएससी में 14 स्ट्रीम्स हैं, यानी आप इन 14 सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हैं, जो कि है आपकी नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनिमेशन, क्लिनिकल डाइटिशिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, बॉटनी, फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, क्लिनिकल रिसर्च, हॉस्पिटल एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 14 कोर्सेज हैं यहाँ पर बीएससी के, जिनसे आप बीएससी कर सकते हैं JNU के अंदर। फिर नेक्स्ट है निम्स यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी जयपुर के अंदर है। ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ पर आप बीएससी साइंस से तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा इन्होंने काफ़ी और कोर्सेज हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसकी रेटिंग 3.9 जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 40,000 और इनकी वेबसाइट है nimsuniversity.org, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर सकते हैं। निम्स यूनिवर्सिटी में जो आपकी बीएससी होती है उसमें आपके पास 33 स्ट्रीम्स हैं, यानी आपके पास 33 ऑप्शंस हैं जहां से आप बीएससी कर सकते हैं उन सब्जेक्ट से। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं, इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट से निम्स यूनिवर्सिटी से बीएससी कर सकते हैं। नेक्स्ट है SS जैन सुबोध PG कॉलेज, जो कि जयपुर के अंदर ही है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने तो आपको राजस्थान के बेस्ट कॉलेज बताए थे, लेकिन मैं आपको जयपुर ही जयपुर के दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आगे और भी शहर के आएंगे, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा जो अच्छे कॉलेज हैं वो बीएससी के लिए वो मोस्टली जयपुर में ही हैं और जयपुर के अंदर ही आपको ज़्यादा कॉलेज मिलेंगे। इस कॉलेज की रेटिंग है आपकी 3.9, ये भी आपकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है और इसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 21,800। इसकी वेबसाइट दी हुई है www.subodhpgcollege.com। हर कॉलेज की मैंने आपको साइड में पिक बताई हुई है ताकि आप देख सकते हैं कि वो कॉलेज दिखने में आपका कैसा है। अब ये जो आपका SS जैन सुबोध PG कॉलेज है, इसके अंदर आप बीएससी 7 स्ट्रीम से कर सकते हो, यानी आपके पास 7 सब्जेक्ट रहेंगी, जिसमें है आपके पास मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। ये 7 सब्जेक्ट से आप इस कॉलेज से बीएससी कर सकते हो, इनमें से कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे, जिस भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो उस सब्जेक्ट को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, ये भी आपका जयपुर के अंदर ही है। इसकी रेटिंग है 4। जो भी मैं आपको कॉलेज बताऊंगी जिनकी रेटिंग 4 या 4 से ज़्यादा है तो वो कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि 4 जो रेटिंग होती है
इतनी अच्छी रेटिंग हर किसी को नहीं मिलती। ये जो आपकी मैं रेटिंग बता रही हूँ, ये सारी रेटिंग 5 में से है, यानी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी को मिले हैं 4 रेटिंग आउट ऑफ 5। यहाँ की फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 62,000 रुपये। ये नीचे इसकी वेबसाइट दी हुई है www.purnima.edu.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इस कॉलेज से रिलेटेड आपको जो BSc करनी है उसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास 5 स्ट्रीम्स रहेंगी जहाँ से आप BSc कर सकते हैं। तो वो है आपकी हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है एनिमेशन एंड VFX, थर्ड है केमिस्ट्री, फोर्थ मैथमेटिक्स, फिफ्थ फिजिक्स। तो ये 5 स्ट्रीम से आप पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से BSc कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, ये भी एक काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस है, जो कि उदयपुर के अंदर है। ये यूनिवर्सिटी BSc के लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी रेटिंग है आपकी 3.5 और इसमें फर्स्ट ईयर की फ़ीस लगेगी आपको 4,510। ये जो मैंने आपको फ़ीस बताई है ना, ये मैंने इन्हीं की वेबसाइट से देखी है। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर और डिटेल्स जानने के लिए www.mlsu.ac.in पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट को जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहां से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और इन्होंने BSc के अंदर कौन कौन से कोर्स यानी किस किस सब्जेक्ट से ये BSc करवाते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई है, तो वहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की एक खास बात है, इसमें आपकी जो सीट्स रहेंगी वो लिमिटेड रहेंगी, तो आपको सीट्स पर चेक करना होगा और फिर उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना होगा यदि आप इस कॉलेज में या फिर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो फिलहाल प्रेजेंट में इसमें 120 सीट्स अवेलेबल हैं BSc स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है बनस्थली विद्यापीठ, ये भी एक वेरी वेरी पॉपुलर कॉलेज है जयपुर के अंदर। आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.2, बहुत ही अच्छा कॉलेज है तभी इसकी रेटिंग 4.2 है। इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है। इसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 1,17,500 और यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी हुई है www.banasthali.org। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इसमें BSc करने के बारे में और अधिक जानकारी पा सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बनस्थली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेने के लिए 12th में मिनिमम परसेंटेज होगा 55। तो जिन स्टूडेंट्स की 12th में 55 से अबव परसेंटेज हैं वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि जयपुर के अंदर है। ये भी आपकी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसकी रेटिंग है 4.2 और इसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 40,000। इसकी वेबसाइट है vgu.ac.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको यदि इस यूनिवर्सिटी में पसंद है या फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आपके दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इस यूनिवर्सिटी से BSc भी कर सकते हो और BSc ऑनर्स भी कर सकते हो, लेकिन दोनों की फ़ीस अलग अलग है। केवल BSc के हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के 35,000 और जब आप BSc ऑनर्स करोगे तो उसके फर्स्ट ईयर की फ़ीस होंगी 40,000। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, 12th पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर BSc करने के लिए 7 सब्जेक्ट्स मिलती हैं, यानी यहाँ पर 7 स्ट्रीम्स हैं। 5 तो सब्जेक्ट आपकी जो कॉमन है सभी जगह होती है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। इसके अलावा 2 और हैं, फॉरेंसिक साइंसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन 7 स्ट्रीम में से यदि कोई सी भी स्ट्रीम से आप BSc करना चाहते हैं तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है BSc के लिए, आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि जयपुर के अंदर है। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है इनका कोर्स मोस्टली आपको सभी जगह पर मिल जाएगा, सभी सिटियों में कहीं ना कहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान चलती ही है। यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो खुद का सिलेबस होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का सिलेबस है वो आपको किसी भी सिटी या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। इसकी रेटिंग है 4.1 और इसकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 8,770 रुपये। इसकी वेबसाइट है www.uniraj.ac.in। अब ये जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बताई है ये इसकी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी है, यानी जो आपका मेन डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का वो वाला कॉलेज है ये। बाकी इसका जो कोर्स है वो अलग अलग कॉलेज वाले भी अपना खुद का चलाते ही हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपके पास है बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। तो इन सभी सब्जेक्ट से आप BSc कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। बाकी इसके अलावा और जानकारी तो आप उनकी एक्चुअल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है श्याम यूनिवर्सिटी, जो कि दौसा के अंदर है। ये यहाँ पर इसका कॉलेज दिखाया हुआ है, किस तरीका का ये कॉलेज है। इसकी रेटिंग है 4.1, फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 30,000, वेबसाइट है shyamuniversity.in। ये भी एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, दौसा में बिल्कुल फेमस है, दौसा की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपकी BSc के लिए। तो यदि आप दौसा में रहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। श्याम यूनिवर्सिटी में आपके पास BSc के लिए कुछ ही ऑप्शंस हैं। इसमें है आपके पास BSc जनरल, यानी जो आपकी नॉर्मल BSc होती है, और है BSc ऑनर्स। इसके अलावा BSc में दो सब्जेक्ट और हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारी सब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट है कनौरिया कॉलेज, जो कि जयपुर के अंदर है। अब जयपुर में आपको काफ़ी कॉलेज मिलेंगे बहुत ही अच्छे BSc के लिए, इसीलिए जो आपके टॉप कॉलेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉलेजों के नंबर हैं वो जयपुर के अंदर ही हैं। इस कॉलेज की रेटिंग है आपकी 3.8 और इसकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 19,000 रुपये। नीचे इसकी वेबसाइट है www.kanoriacollege.in। इस कॉलेज में आपको BSc के लिए ये सारी सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि स्क्रीन पर दिखाई हुई है, और यहाँ पर जो आपका BSc का कोर्स होगा वो 3 साल का होगा। मैंने अभी तक जितने भी कॉलेज बताए थे वो सभी मैंने आपको 3 साल की BSc के लिए ही बताए थे। तो इसमें आपका फिज़िक्स, जूलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट से BSc हो सकता है। तो यदि आप इनमें से कोई सा भी चूज़ करना चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है इस कॉलेज की भी। तो इस तरीके से आपके सारे कॉलेज हो चुके हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि आपको अच्छी जानकारी चाहिए और ज़्यादा कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं जो आप के BSc के लिए अच्छे हैं, तो उसके लिए आप गूगल पर सर्च करें। YouTube पर तो आपको केवल वीडियोस मिलेंगी और वो वीडियोस आपको 10-15 इससे ज़्यादा कॉलेज के बारे में नहीं बता पाएंगी, लेकिन जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपका कॉलेज चूज़ करने में। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको BSc से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और BSc से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।